सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो आज का जो वीडियो है वो है थिमेलर पाउडर जो हम बच्चों को देते हैं, उसका क्या प्रॉपर यूजेज है, उस चीज़ पे ये वीडियो है। एज हम भी जो है नए पेरेंट्स हैं, सो हम लोग जिस सिचुएशन से, जिन परिस्थितियों से जो हम गुजरते हैं, तो उस चीज़ को क्या है हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जैसे हमारे लिए सिमिलर एक न्यू था, तो हमें भी पता नहीं था कि उसका क्या यूजेज है, तो इसलिए वो चीज़ जो है हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग को ये चीज़, आप लोग को जो ये नॉलेज है वो आप लोग को भी मिले। सो डॉक्टर्स के सजेशंस के बाद हमने ये सिमिलैक जो है, उनके रेफरेंस के बाद हमने सिमिलैक शुरू किया था। सिमिलैक स्टेज वन इज़ फॉर जो बच्चे हैं जो बिलो 6 मंथ्स के हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। और अभी हम जो है सिमिलैक स्टेज टू यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेबी जो है 6 मंथ्स के ऊपर का हो गया है। पर दोनों का जो प्रोसेस है यूज़ करने का एकदम सेम है। आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगा कि इसका जो यूजेज है उसको कैसे यूज़ करना है, ये आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले जो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है पानी गर्म, ठीक है। पानी को उबालना है, ठीक है, क्योंकि इसी पानी में जो है हम लोग उसको जो है सिमिलैक पिलाएंगे। सिमिलैक जो पाउडर है उसको इसी गर्म पानी में हम उसको मिक्स करेंगे। पानी को आपको उबालना है। मैं ये जो पानी है उबाल के इसमें डाल दूंगा, ठीक है, इस वाले फ्लास्क में मैं डाल दूंगा, क्योंकि ताकि ये बार बार मुझे पानी गर्म करना नहीं पड़ेगा, इसमें ये गर्म होके रह जाएगा, ठीक है। तो पानी को उबाल लेंगे, इसमें डाल देंगे, इस वाले फ्लास्क में डाल देंगे, और जो लास्ट में थोड़ा सा पानी जो है इसी के अंदर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जिसमें हम इसको फीड कराएंगे, फीडिंग बोतल में, इस फीडिंग बोतल में इसको हम पिलाएंगे, ठीक है। इस फीडिंग बोतल को उसी गर्म पानी में हम स्टेरिलाइज करेंगे, ताकि इसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ या बैक्टीरिया होंगे वो इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी फीडिंग बोतल में बच्चे को फीड करा रहे हैं तो उसका स्टेरिलाइज होना काफ़ी ज़रूरी है। उससे क्या है, आप फ्री हो जाएंगे कि हाँ कोई इसमें बैक्टीरिया वगैरह, कुछ भी जर्म्स वगैरह इसमें नहीं है। तो आप सबसे इजी प्रोसेस यही है कि आप जब भी पानी गर्म करते हैं बच्चे को सिमिलैक या कुछ भी अपना जो भी आप पाउडर पिला रहे हैं उसके लिए, तो लास्ट में थोड़ा सा पानी छोड़ दें, उसी से ये जो है आपका जो फीडिंग बोतल है उसी से इसको आप धो लें, वॉश कर लें, फिर उसी में आप पिलाएं। सो गाइस, मैंने जो है पानी जो है इसमें डाल दिया था, ठीक है, बॉयल करके, और ये है आपका फीडिंग बोतल जो मैंने अभी स्टेरिलाइज किया है, गर्म पानी से इसको धोया है, दिस इज़ कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रेडी हैं, और ये है सिमिलैक। सिमिलैक एक्चुअली ये स्टेज हम टू ही है, हमने ये सिमिलैक स्टेज टू ये रहा, ठीक है। हमने इसमें से जो है पाउडर निकाल के, जब हम सिमिलैक स्टेज वन के डब्बे है डब्बा मिलता था, इकट्ठा होता था, तो उसी में हमने ये डाल दिया है। सिमिलैक स्टेज वन के डब्बे में हमने सिमिलैक स्टेज टू को डाल दिया है, ताकि फालतू में आप लोग को दिखाने के लिए इसको भी खोलना पड़ता, वो दैट इज़ नॉट सेफ। इसको साइड कर देते हैं। ये हो गया सिमिलैक स्टेज वन का डब्बा। अब इसको मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूजेज क्या है, ठीक है। इसमें जैसे साफ साफ एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखा दूँ, हर 30 ml के हिसाब से आपका एक स्कूप बनता है, ठीक है। हर 30 ml के हिसाब से, जैसे फीडिंग बोटल जितने भी होते हैं उसमें मार्किंग्स रहती है, ठीक है, उसमें मार्किंग रहती है। अगर आपको दिख रहा हो, विजिबल होगा या नहीं, आई डोंट नो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सारे मार्किंग्स हैं। हर 30 ml के हिसाब से मार्किंग जो है बना हुआ है, नंबर ऑफ स्कूप्स का, ठीक है। तो आपको उतने ही स्कूप्स देने हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, कितना ml आप पानी मिला रहे हैं उसका भी इसमें प्रॉपर मार्किंग रहता है। अगर आप लोग को दिख रहा हो तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 30, यहाँ पे 100, ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें मार्किंग बने हुए हैं। यहाँ पे 150 बना हुआ है। गाइस, आप लोगों को इसमें मार्किंग का दिखा दिया, किस हिसाब से इसमें मार्किंग जो है बना हुआ है, इसके अंदर जो है मार्किंग बना हुआ है हमने दिखा दिया है। और अब आपको ये डब्बा दिखा देते हैं, ये जो है अप टू 6 मंथ्स वाला डब्बा था, इसमें भी आपका सारा कुछ मेंशन है, आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, जो मैंने स्टेरिलाइजेशन का आपको बताया वो भी इसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है। बॉइलिंग वाटर में डाल के, ठीक है, बॉइलिंग वाटर में डाल के कैसे आप लोग को जो है इस चीज़ को जो है उबालना है आपके बेबी बोतल, जो बेबी फीडिंग बोतल है उसको, उसके बाद ही आपको जो है फॉर्मूला जो है उसके अंदर डालना है, बेबी फीडिंग बोतल के अंदर, ठीक है। और इसमें सारा कुछ, ये सब कितना कितना वीक्स के बच्चों को कितना पिलाना है, ये सब भी इसके अंदर मेंशन किया ही हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग कुछ देर में आपको ये बना के दिखाता हूँ। और ये जो सेम चीज़ है
जो स्टेज वन के बोतल में लिखी हुई है डब्बे में, ठीक है, वही स्टेज टू के डब्बे में भी जो है लिखा हुआ है। देखिए आप दिख रहा होगा आफ्टर सिक्स मंथ्स डेट इज स्टेज टू सिमिलैक एडवांस, ठीक है। तो इसमें भी सारा कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो मैं आपको भी नहीं दिखा रहा हूँ, बट प्रोसेस जो है सारा कुछ सेम है। देखिए स्टरलाइजेशन का सारा कुछ दिखा रखा है और नीचे है 30 ml के हिसाब से 1 scoop, और स्कूप जो है इसके अंदर जो है रहता है, और यही स्कूप हम अभी इस वाले डब्बे में यूज़ कर रहे हैं। वैसे दोनों स्कूप जो है सेम ही है, कोई इसमें डिफरेंस जो है नहीं है। तो ये था डायरेक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग जो मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकली यूज बता के कि कैसे यूज़ करना है। और है इसका MRP भी आपको बता देता हूँ, MRP है इसका 645 जो स्टेज टू का MRP है, और स्टेज वन का ये भी 400 ग्राम का है, 400 ग्राम का डब्बा ये भी है, और सिमिलैक स्टेज वन का भी 400 ग्राम का डब्बा है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि प्लास्टिक बॉक्स में है और ये है आपके नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स में, ठीक है। और इसका भी मैं आपको लोगों को जो है आपको प्राइस दिखा देता हूँ। हाँ नीचे इसका प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे इसका प्राइस देख ली, इसका प्राइस है 650, ठीक है। तो ये था आप लोग का जो भी था आपके बोतल आपके डब्बे इन सब के बारे में, इसको कैसे बनाना है, ठीक है। और एक चीज़ जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डब्बे में लिखी रहती है वो है दिस इम्पॉर्टेंट नोटिस, मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी, वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये रिप्लेसमेंट आपका तभी है जब आपके किसी भी कंडीशन में आपके जो वाइफ आपकी जो मैडम है साथ में उनके अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं उतना नहीं बन पा रहा है तब मदर्स मिल्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सेम चीज़ इसमें भी लिखी हुई है, मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल ऑफ इट डब्बों के बारे में जो भी इनमें लिखा हुआ था और बॉटल के बारे में। वी आर ऑल सेट फॉर मेकिंग दैट मिल्क फ्रॉम दैट दिस बॉइलिंग वाटर। अभी हम इस पानी को फीडिंग बॉटल में डालेंगे और पाउडर इसके अंदर डाल देंगे, ये रेडी हो जाएगा, कोई हार्ड साइंस नहीं है। तो मेरा जो बेबी है वो 150 ml पीता है, ठीक है। तो 150 ml के हिसाब से इसमें हम 5 scoop डालेंगे। यहाँ पे 150 का मार्क है, आप लोगों को शायद दिखना मुश्किल है इस कैमरे में, बट यहाँ पे कहीं 150 का मार्क है। सो 150 ml इसका बनाएंगे, हम रेडी करेंगे और पानी 150 ml का डालेंगे और ये स्कूप इसमें हम डालेंगे 5। तो गाइस हमने जो है इसमें पानी मिला दिया था जैसा कि आप लोगों को बताया था, ठीक है। 150 ml यहाँ पे हमने पानी मिलाया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 6 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो 5 scoop हमने इसमें पाउडर मिलाया है सिमिलैक स्टेज 2 और 150 ml इसमें पानी मिलाया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ढक्कन लगा देना है, ठीक है। इसका ढक्कन लगा के इसको करना है शेक। बस यही था इसका बनाने का तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया, यही था सारा प्रोसेस, ठीक है। बट एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जब तक इसमें झाग रहेगा ना तब तक आप बेबी को ये मत पिलाइए, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोग नहीं बताते हैं क्योंकि जैसे आप इसको शेक करते हैं ना, जैसे आप इसको शेक करेंगे तो इसमें जो है झाग बन जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है ये झाग जो है बेबी के पेट में जो है गैस क्रिएट कर सकता है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, 10 to 15 seconds, ये झाग जो है आपका सेटल हो जाएगा नीचे, और जैसे ही सेटल हो जाता है उसके बाद आप ये बेबी को पिला दीजिए। ये झाग जो है बेबी के लिए पेट में जो है गैस फॉर्म कर सकता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर बेबी। सो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा वेट करिए, उसके बाद ही इसको पिलाइए। जैसे देख लीजिए अभी आपसे बात करते करते इसका झाग जो है ख़त्म हो गया। सो 10 to 15 seconds आप सेटल डाउन करिए इसको, उसके बाद आप बेबी को पिलाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कुछ छूट गया है बताना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और अगर आप लोग को लगता है कुछ मैंने गलत बताया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि कुछ और नॉलेज आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं तो भी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लोगों के साथ शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।